वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर हो के भी दूर नहीं होते। वो लोग दूर हो के भी दूर नहीं होते। एक नाम जैसे ही हमारे जीवन में आता है, ऐसे शख्स की तस्वीर उभरती है जिसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान किसी भी अनजान शख्स को अपनापन का एहसास करा जाती है। एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी मायूस होना नहीं सीखा और जिंदगी में आने वाले हर तूफान का बड़े ही शिद्दत के साथ सामना किया, वह नाम है अमरनाथ जी का। As a principal of DAP CPSSC 1, I know Mr. A.N. Singh, English teacher. He is not only a English person, but he is a gentle, humble, low, very polite mannered, and having dedication towards his own assigned duty, that is teaching the students in the classroom very honestly and up to the level of bottom from where the students may start to learn English language, because it is a very important language nowadays for the society as well as of the tradition of the student. So communication skill must be in each and every child, whether it is a English, Hindi or Sanskrit, doesn't matter. But as a being English teacher, he is good in this one work and he excelled his duty very promptly to enhance the potential communication skill among all the students wherever he taught from 2003 to till right. Thanks a lot. I wish a very healthy, prosperous coming life. God may bless you. Gajan सीमान जिले के एक छोटे से गांव मदारीचक में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। अतरसन हाई स्कूल से माध्यमिक की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने RBGR कॉलेज महाराजगंज से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। तत्पश्चात गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि हासिल की। फिर ये उड़ीसा चले गए, जहां इन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से BEd किया। मिस्टर एन सिंह हैज बीन अ वेरी डेडिकेटेड एंड पंक्चुअल टीचर ऑफ दिस स्कूल। We will miss a lot, and I wish him a very bright future and peaceful life. शुरुआत से ही इनका झुकाव पठन पाठन के प्रति रहा, इसलिए इन्होंने एक अच्छे शिक्षक बनने का निश्चय किया। पहली बार वर्ष 2003 में इन्होंने अंग्रेजी भाषा शिक्षक के रूप में DAV शताब्दी पब्लिक स्कूल सीमान में अपना योगदान दिया और बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी पहचान एक कर्मठ और समर्पित शिक्षक के रूप में स्थापित कर लिया। Have you read boys in your practice book? You have read? Okay, I am going to give you some sentences to change into passive voice. Okay? And it will be revision for you also. If you are there, now change. Thank you.
कर्तव्य निष्ठा और शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरणा पाकर प्रभावित होगा। अमरनाथ सिंह जी मेरे विद्यालय के बहुत ही योग्य एवं अनुभवी शिक्षक है। अब तो हम लोगों के लिए एक दुखद बात है कि बहुत ही शीघ्र 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जितनी भी उनकी हम लोगों के साथ की यात्रा रही वह बहुत ही सहज वातावरण में अनुकरणीय रही है। एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, सादगी में उनका जीवन चलता है और हमेशा सदाचार का पालन करते रहे हैं और जिसके लिए हम लोग हमेशा उनको याद करते रहते हैं और करते रहेंगे। यह हम लोगों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हम लोगों के सामने रहे, हम लोगों के साथ कार्य किए और हमेशा हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में रहे। अमरनाथ सिंह जी गोइंग टू बी रिटायर्ड ऑन 28th ऑफ दिस मंथ फेब्रुवरी। ही स्पेंड 15 ईयर्स एट लीस्ट विथ अस, बट आई नो हिम व्हेन आई ज्वाइंड हियर व्हेन ही वाज नॉट वर्किंग इन डीएवी एंड दैट टाइम ही वाज my good friend. Later he joined with us DAV and continuously he worked with us very peacefully, very energetically as well as enthusiastically also. He is not our good friend, he is not only teacher, but he is also our inspiration, as he believes in live simple and high thinking. अमरनाथ जी की पहचान स्कूल में अन्य शिक्षकों से एक अलग रही है। अमरनाथ जी सादगी के प्रतीक थे और हमेशा एक शिक्षक की जो अहम भूमिका होती है कि पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखना, ये अमरनाथ सिंह जी में पिछले 20 वर्षों से ऐसा देखा गया। वो हमेशा पठन पाठन से जुड़े रहे और अपने जीवन में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए और अपने हसमुख व्यक्तित्व के लिए सभी लोगों के बीच में स्मरणीय रहेंगे। और मैं अंत में यही चाहूँगा कि उनका शेष जीवन जो है सुखमय हो और अपने परिवार के साथ उनका अच्छा से समय बीते, यही मेरी हार्दिक शुभ। आज हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस पावन कार्य के द्वारा समाज को नई दिशा देने में सहयोग प्रदान करते रहेंगे। वी द एंटायर डीएवी फैमिली सैल्यूट योर 15 इयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस टू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड होप दैट यू विल कंटिन्यू टू इल्यूमिनेट द लाइफ of people with education. Abhi alvida mat kaho dosto, na jaane kahan phir mulaqat ho, na jaane kahan phir mulaqat ho. क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।